हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फोरेंसिक्स विद बीएम। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, जिस चीज़ का आप लोगों को वेट था, जिस भी स्टूडेंट ने एनटीए नेट में अप्लाई किया था उसकी डेट्स आ चुकी हैं एंट्रेंस एग्जाम की, आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। एनटीए की वेबसाइट पर जाइए और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। और इस बार जो एनटीए की डेट्स हैं 20 to 30 November और उसके बाद आपका 1 December to 5 December एग्जाम होने वाला है दो शिफ्ट्स में, जिस तरीके से अब पहले भी होता है शिफ्ट वन शिफ्ट टू। अगर मैं फॉरेंसिक साइंस वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो आप लोगों का एग्जाम 20 November को होने वाला है सेकंड शिफ्ट में, जिसका सब्जेक्ट कोड होगा 82। तो सेकंड शिफ्ट में यानी 3 to 6 तक 3 to 6 PM आपका एग्जाम होने वाला है। और इस बार अलॉन्ग विद द एडमिट कार्ड आप लोगों को एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर जाना है, जो मैं आपको अभी सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ। कोविड की वजह से इस बार इंस्ट्रक्शंस में काफ़ी चेंजेस हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी और जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो आपका एडमिट कार्ड कुछ इस तरीके से डाउनलोड होगा, जिसमें 3 pages है, 1, 2 and 3 जो आप साइड में देख रहे हैं। फर्स्ट पेज में आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन और आपके सिग्नेचर और ये बार कोड भी होगा। यहाँ पर आपकी पूरी टेस्ट डिटेल्स हैं, जहाँ पर आपको टाइमिंग दिया गया है, वेन्यू दिया गया है टेस्ट का, ठीक है। तो और दूसरी चीज़, यहाँ पर आपका एक अटैच है सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ये लेकर जाना है साथ में। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पूछा गया है आई हैव इन द लास्ट 14 days दिस। अगर आपको इसमें से कुछ भी फील हो रहा था तो आपको यहाँ टिक करना है, प्लीज टेक वेदर इट इज एप्लीकेबल टू यू, अदरवाइज लीव ब्लैंक। अगर ऐसा कुछ फील होता है तो फिल करिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। सेकंड पॉइंट, बीन इनक्लोज विद द कंफर्म केस ऑफ COVID-19, अगर आए थे तो टिक कर दीजिए, अदरवाइज नहीं। और आपको यहाँ पर ये भी मेंशन करना है, यहाँ आप सेंटर सिटी में पहुंचने से पहले 14 days प्रायर आपने कौन सी सिटी में ट्रेवल किया था, तो यहाँ पर आपको सिटी का नाम लिखना है। अगर आपने 14 days पहले कहीं ट्रेवल किया है तो आपको सिटी का नाम लिखना है और डेट ऑफ अराइवल इन सेंटर सिटी, आप अपनी सेंटर वाली सिटी में कौन सी डेट में पहुंचे हैं, ठीक है। ये इसलिए पूछ रहे हैं ताकि गैप देखने के लिए कि आपका 14 to 15 days का गैप हो रहा है या नहीं हो रहा है ये कैंडिडेट को, ओके। यहाँ पर उसके बाद आपको अपना फोटो पेस्ट करना है, यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाना है और ये सेंटर पे आने से पहले ही आपको काम करके आना है। और यहाँ पर आपका होना चाहिए सिग्नेचर, ठीक है। तो ये आपको लेकर आना है। उसके बाद आपका आता है सेकंड पेज। सेकंड पेज में आपको इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये तो आपको पता ही होता है कि टाइम से पहले ही आपको पहुंचना है और अगर टाइम आपका डिले हो जाता है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। जो आपको एंटाइटल टाइम है उसके पहले आपको पहुंचना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो मैंने पिंक कलर से मेंशन किया, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगी जो मुझे आपको बतानी चाहिए, वो ये है कि आपको अपने साथ एक वाटर बॉटल, अगर आप जो आइटम आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं वो है एक पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए। हैंड सैनिटाइजर आप लेकर जा सकते हैं और ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन आप लेकर जा सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। और उसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना है और एक आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है। आईडी प्रूफ कैन बी एनीथिंग, जैसे यहाँ पे मेंशन है पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, ये लेकर जाना है। और ये मत भूलना कि आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाना है, क्योंकि वो आपको अटेंडेंस शीट पे मार्क करना होता है, ओके। और उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेपर जो आपका 3 है, जो page 3 है, उसमें एडवाइजरी दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि बार कोड रीडर्स विल बी यूज एट द एंट्री पॉइंट टू स्कैन द बार कोड ऑन द एडमिट कार्ड, द रूम और द हॉल नंबर विल बी इन्फॉर्म टू द कैंडिडेट एट दिस पॉइंट ओनली। तो जो पहले आप देखते थे एग्जाम सेंटर के बाद एक शीट लगी होती थी जिसमें लिखा होता था आपका रूम नंबर कौन सा होगा, वो अब यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि क्राउड इकट्ठा ना हो। इस वजह से जो बार कोड रीडर होगा वो आप अपने एंट्री पॉइंट पे स्कैन करेंगे तो आपको जो रूम और हॉल नंबर होगा वो आपको वहीं पर बता दिया जाएगा। और एक चीज यहाँ पर यहाँ लिखी गई है, द लैब नंबर विल नॉट बी डिस्प्लेड आउटसाइड द सेंटर टू अवॉइड एनी क्राउडिंग एट वन प्लेस इन एनी सिचुएशन, ठीक है, यही मैं आपको बता रही थी। और यहाँ पर बताया गया है एट द टाइम ऑफ एंट्री द फील्ड इन अंडरटेकिंग ऑन एडमिट कार्ड एंड बॉडी टेम्परेचर विल बी चेक्ड एंड सेंटर स्टाफ विल गाइड यू टू द लैब आफ्टर कॉन्टैक्ट फ्री फ्रिस्किंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इफ द बॉडी टेम्परेचर विल बी हायर देन द COVID-19 नॉर्म्स द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू टेक द एग्जाम इन अ सेपरेट रूम। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्ट्रिक्टली अडेयर टू इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द सेंटर स्टाफ, ओके। तो आपको यहाँ पर जो जब आप लोग अपना जहाँ टेम्परेचर चेक कराएंगे उसके बाद एक सेंटर का
का जो स्टाफ होगा वो आपको गाइड करेगा कि आपको यहाँ पर इस लैब में आपका जो है एग्जाम होने वाला है। एंड कैंडिडेट शुड ब्रिंग ड्यूली फिल्ड इन एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग एज पर इंस्ट्रक्शन। एडमिट कार्ड और अंडरटेकिंग आपको दोनों लेकर जाना है। कैंडिडेट्स विल बी ऑफर्ड अ फ्रेश 3-ply मास्क बिफोर एंट्री। आपको दिया जाएगा बट आई विल सजेस्ट यू कि अपना मास्क पहनकर आइएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड साइन ऑन द अटेंडेंस शीट आफ्टर सैनिटाइजिंग हैंड्स विद द सैनिटाइजर। अटेंडेंस शीट पे आपको फोटो पेस्ट करनी पड़ेगी, तो आप अपने साथ पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आइएगा। कैंडिडेट मस्ट ड्रॉप द एडमिट कार्ड एंड ऑफ शीट इन द ड्रॉप बॉक्सेस आफ्टर डिस्प्लेइंग टू द स्टाफ अवेलेबल नेक्स्ट ड्रॉप बॉक्स व्हाइल लीविंग द एग्जाम हॉल। अगर आप लोग ये नहीं करते हैं तो इन्होंने लिखा है, अगर आपको रफ शीट और एडमिट कार्ड वो वहीं पर छोड़ के आना है, ड्रॉप बॉक्स वहां पर रखा होगा वो जिसमें आपको ड्रॉप कर देना है, अगर आप वो नहीं करते हैं देन एक्शन विच आल्सो इंक्लूड डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द एग्जाम कैन बी टेकन। तो डिस्क्वालिफाई होने से अच्छा है भाई वहीं पर छोड़ दीजिए, आप अपना शीट भी वहीं पर छोड़ दीजिए, जो एडमिट कार्ड होगा और जो रफ शीट होंगी दोनों आप वहीं पर छोड़ दीजिए। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स और इनको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। Okay, so all the best to everyone who is going to sit in the exam this time and good luck to you and keep watching my videos. Please support the channel. Thank you so much. Take care. Bye-bye.